अस्सलामु अलैकुम, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज इस वक्त हम आए हैं जामिया मस्जिद नाविट में। आज हम आए हैं यहाँ पे असर की नमाज़ के लिए, तो सोचा आपको इस तारीखी जगह से रूबरू भी कराऊं। एक्चुअली हम थे दसगीर साहब, वहाँ पे वीडियो बनाया, तो अभी असर का वक्त होना चाहता है, बिल्कुल साथ ही में पड़ती है ये जगह। आप मेरे राइट में देख सकते हैं लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि असर की नमाज़ के लिए सब लोग आए हैं और हम भी आज असर की नमाज़ यहाँ पर अदा करेंगे और आपको इस तारीखी जगह से रूबरू कराएँगे, जो कि कश्मीर में एक शान है हमारी जामिया मस्जिद, जो कि श्रीनगर के ओल्ड सिटी डाउनटाउन में पड़ती है। तो अगर आप तैयार हैं, देन गाइस लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी। लेट्स गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्टेड। तो ये हम बाहर के मनाजिर हैं, ये देखिए बहुत एक बहुत बड़ी मार्केट है, हसल पसल में रहती है। और जामिया मस्जिद एक्सप्लोर करने से पहले, क्योंकि असर की नमाज को भी टाइम है, तो हमने सोचा आपको यहाँ की दुकानों से आपको रूबरू कराएं। बहुत एक बहुत बड़ी मार्केट है, बेहतर रहेगा आपको कि पार्किंग बाहर करें, पेड पार्किंग है, मगर अगर टू व्हीलर्स हैं कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। और वो जो आप बिल्कुल एक्सट्रीम में राइट साइड में जो स्टार्ट में होता है मार्केट, वहाँ पर बना सकते हैं। और डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो अभी असर की नमाज़ के लिए हम जामिया मस्जिद के अंदर जाएंगे, जो कि मैं कम से कम 5 साल के बाद इस जगह को विज़िट कर रहा हूँ। अभी हम हो रहे हैं जामिया मस्जिद के अंदर दाखिल। यकीन मानेगा आप, अपने वालदेन को बहुत इज्जत से रखिएगा, क्योंकि मुझे बचपन में अपने वालिद साहब इस मस्जिद पर लाते थे। रब रहम हुमा कमा रबियानी सगीरा, तो अपने वालदेन को उसी शफ़क़त की नज़र से देखेगा। तो मुझे वो बचपन की मेमोरीज़ बिल्कुल रिवाइव हुई जब मैं अपने वालिद के साथ यहाँ पे आता था। अल्लाह ताला हम सब के वालदेन को लंबी उम्र दे। सो ये पहले कुछ इंप्रेशन है जामिया मस्जिद के, सच ह्यूमंगस प्लेस, और जो फीलिंग है ना बिल्कुल सरियल है। मेहराब पे आप देख सकते हैं अल्लाह जला शानों के 99 नाम लिखे गए हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत अक्स देते हैं। और थोड़ी सी अगर रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बात करें, 3-4 बार इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, सुल्तान सिकंदर के दौर में, जहांगीर के दौर में, औरंगज़ेब के दौर में, सुल्तान हसन शाह के दौर में, क्योंकि कई बार जामिया मस्जिद नज़र आतिश हुई और इसे रिनोवेट किया पार्शली या कम्प्लीटली। ये बिल्कुल जामिया मस्जिद के अंदर के सीन्स हैं कि ना असर की नमाज़ का वक्त होना चाहता है। अगर मैं तारीख की बात करूँ तो ज़ैनुल आबिदीन के जो वालिद साहब हैं सुल्तान शाह शाहमीरी, उन्होंने तामीर की थी 1394 में, और ऐसा कहा जाता है कि 33,000 से भी ज़ायद लोग एक साथ यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं इस तारीखी जगह में, जो कि हार्ट ऑफ श्रीनगर में पड़ता है। बिल्कुल वज़ू आधे लोग बना रहे हैं, हमारा वज़ू हो गया है। ये देखिए कितने लोग असर की नमाज के लिए आए हैं। और जामिया मस्जिद का ये है कि बहुत एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ कि आप आराम से बैठ सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि आधे लोग वहाँ से भी नवाफिल पढ़ रहे हैं, और फिर नमाज 5:25 पे हैं और लोग अभी मस्जिद की तरफ दाखिल हो रहे हैं नमाजों के। सलाम अलैकुम।
नमाज हमने अदा की असर की नमाज, और क्या पुरसकून माहौल है यहाँ पे इस जामिया मस्जिद नवाडा में। तो 5 साल के बाद आने का मौका मिला और एक अलग तजुर्बा यहाँ पे मिलता है। आप देखिए लोग अभी भी बैठे हुए हैं अपनी नमाज अदा की के बाद, आधे लोग इफ्तारी और शाम की नमाज यहीं अदा करेंगे, पर हम विल बी लीविंग नाउ आफ्टर सम टाइम। तो एक तारीखी जगह है बहुत, अगर मैं इसकी तारीख की बात करूं तो 1394 में से बनाया गया था जैनुल आब्दीन के वालिद साहब ने। उसके बाद बहुत बार इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया, हार्ट ऑफ द श्रीनगर में है, नावाटा एरिया में पड़ता है। तो अगर आप कश्मीर विज़िट कर रहे हैं या कश्मीर में भी आप तारीख से रूबरू होना चाहते हैं इसी जगहों से, रिलीजियस जगहों से, तो दिस इज़ अ मस्ट विज़िट, विच इज़ जामिया मस्जिद श्रीनगर इन नावाटा डाउनटाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो, एज यू से इन कश्मीरी, फदाई साहब।